नैब तरामीम केस, जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट बनाने की तजवीज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज दे दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज देते हुए कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आना अभी बाकी है। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूं कि नैब तरामीम केस फुल कोर्ट सुने। अभी तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। ये केस 2022 से ज़ेरे इल्तवा है, जरूरी नहीं केस के मेरिट्स पर फैसला दें। नैब तरामीम के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला दे सकते हैं। 2023 में नैब कानून में की गई तरामीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी।